नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके घर में गरीबी आ गई है? भले ही आप पहले कितने ही अमीर थे या कितने ही पैसों में खेलते थे, लेकिन कुछ समय से आपको भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि घर में गरीबी आना और पैसों का दिन ब दिन खत्म होते जाना और बहुत ही ज़्यादा घर में परेशानियों के आने का कारण आखिर है क्या? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वो कौन सी ऐसी सात चीजें हैं जिनकी वजह से आपको गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो काम तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रोज की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। भले ही वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत जितना फल नहीं मिलता है। इतनी मेहनत के बाद भी ना तो अच्छा कमा ही पाते हैं और ना ही अपनी पसंद का जीवन गुजार पाते हैं, और काम की वजह से उन्हें फैमिली यानी बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनके घर में 2400 घंटे क्लेश बना रहता है। और इस प्रकार ना तो उनका परिवार ही खुश रह पाता है और ना ही वो खुद, और पैसों की तंगी की वजह से उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक इंसान है जो इतनी मेहनत के बाद भी अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके साथ काम करने वाला पार्टनर उतनी ही मेहनत करके उतने ही पैसे कमा के अपने सारे शौक खर्चे पूरा कर रहा है और एक अच्छी जिंदगी गुजारता है, और ना ही उसे पैसों की तरफ से किसी बात की चिंता रहती है और ना उसे घर की तरफ से कोई परेशानियाँ होती हैं, और वो मजे से अपनी फैमिली के साथ जीवन गुजारता है। लेकिन ऐसा क्यों? दोनों की मेहनत तो बराबर है, पैसे भी बराबर हैं, फिर एक पर इतनी अमीरी और दूसरे पर इतनी गरीबी आखिर क्यों? इसका कारण है कुछ छोटी छोटी चीजें जो उस आदमी के घर में मौजूद हैं, जिनकी वजह से उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, और इसी राज को आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। लेकिन इस राज को जानने से पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। नंबर वन, तुलसी। सबसे पहला कारण है दोस्तों तुलसी। अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है और आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ना ही समय से पानी डालते हैं, इन्हीं वजह से ये पेड़ सूख गया है, तो यही आपकी गरीबी का कारण है, क्योंकि तुलसी का पेड़ माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और अगर लक्ष्मी ही मुरझा गई तो फिर आपके घर पैसे कैसे आ सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी पैसों की बारिश हो, तो सबसे पहले आपको तुलसी के पेड़ को पानी देना होगा और उसे भरा करना है। अगर वो पूरी तरह से बेकार ही हो गया है, तो आप उसे नदी या समुंदर में भी विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मुरझाया हुआ तुलसी का पेड़ घर में रहता है, तब तक माता लक्ष्मी आपसे नाराज रहती हैं और आपको श्राप भी देती हैं। अगर माता लक्ष्मी ही आपसे नाराज रहेंगी, तो सोचिए आपके यहाँ धन की बारिश भला कैसे होगी। इसलिए दोस्तों, तुलसी के मुरझाए हुए पेड़ को घर में ना रखें। नंबर दो, सूरज। आजकल के समय में बहुत से लोग ना तो जल्दी सोते हैं और ना ही सुबह जल्दी उठते हैं। हम आपको बता दें कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। अगर आप भी इन दिनों गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, तो सबसे अच्छा और आसान उपाय है कि आप रात में जल्दी खाना खाकर सोएं, और सुबह जैसे ही सूरज निकले सूर्य नमस्कार जरूर करें, और आपके घर की सारी गरीबी जल्द से जल्द दूर होती जाएगी और आपको किसी भी तरह के पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर थ्री, काली चींटियां। दोस्तों, वैसे अगर आपके घर में कभी काली चींटियां आ जाती होंगी, तो आपको लगता होगा कि ये तो एक साधारण सी बात है और आप इन काली चींटियों को नज़रअंदाज कर देते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि काली चींटियों का घर में प्रवेश करने का संकेत ये होता है कि आपका बुरा काल यानी बुरा समय आने वाला है, और ये चींटियां अपने साथ गरीबी को भी आपके घर में लेकर आती हैं, जिससे आपके घर में पैसों से जुड़ी बहुत सी परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए आप जहां कहीं भी कुछ मीठा या कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई देखें जिससे चींटियाँ घर में जल्दी से आती हैं, तो उन्हें खुला ना छोड़ें और ना ही चींटियों को घर में आने दें। और जब आपके घर में चींटियों का प्रवेश ही नहीं होगा, तो फिर आपके यहाँ सिर्फ धन पैसों का ही प्रवेश होगा।
नंबर 4 पेड़ पौधे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किस तरह के पेड़ पौधे हमारे घर में गरीबी लेकर आते हैं और हमें किस तरह के पेड़ों को घर में से फौरन निकाल देना चाहिए? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी करें। घर में वैसे तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं, जैसे एलोवेरा हुआ, कैक्टस हुआ, तो इस प्रकार के पेड़ पौधों को जल्दी ही अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि कांटों का मतलब है कर्ज। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये पौधे आपके घर में रहेंगे आप पर कर्ज बढ़ता रहेगा और आप दिन ब दिन कर्जे में डूबते चले जाएंगे। इसलिए घर में कांटों वाले पेड़ को रखना या लगाना साफ मना किया गया है, क्योंकि ये घर में पैसों को नहीं आने देते हैं। नंबर 5 झाड़ू। दोस्तों आपकी गरीबी का एक मुख्य कारण है झाड़ू। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई बेकार झाड़ू मौजूद है लेकिन आप उसे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और उस बेकार झाड़ू को आपने अपने ही घर में रखा हुआ है, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसे बेकार हालत में घर में रखने का मतलब है कि आप दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी या किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां आए, तो अभी इसी वक्त बेकार झाड़ू को घर में से निकाल दीजिए। भले ही वो आपकी छत पर हो या किसी गार्डन में, लेकिन उसे घर में ना रखें। नंबर 6 छिपकली। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि घर में छिपकली का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये छिपकली माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। लेकिन अगर छिपकली जमीन पर चलती हैं या रेंगती हैं तो आपके लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है, और जहाँ कहीं भी अपने घर में आप छिपकली को जमीन पर रेंगता हुआ देखें तुरंत ही उसे भगा दें या हटा दें। लेकिन अगर छिपकली दीवार पर है या मंदिर में है या फिर किचन में या कमरे में, तो ये एक बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके घर में धन की बारिश होने वाली है और आपके घर में जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सारी खत्म होने वाली हैं। नंबर 7 कौवा। दोस्तों गुरुजी के अनुसार अगर आपके घर में कोई भी कौवा रोजाना आकर बैठता है और आवाज़ लगाता है, तो हम आपको बता दें कि ये आपके लिए और आपके घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि कौए का घर पर बैठकर चीखना एक अभूत ही संकेत है और वो बुरा संकेत होता है। कंगाली, गरीबी और परेशानी, यह चीज़ें कौवा अपने प्रवेश के साथ ही आपके घर में लेकर आता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई कौवा आपके सर पर भी बैठ गया है तो यह आपके लिए एक बहुत बुरा संकेत होता है। इसलिए अपने घर पर कौवे को ना आने दें और ना ही उसके खाने पीने के लिए कुछ रखें, क्योंकि कौवा आपके घर के लिए बहुत अशुभ होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप इन छोटी छोटी चीज़ों के बुरे प्रभाव के बारे में पहले से जानते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।